नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A53 2020 वर्सेस Realme C21Y का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A53 2020 में 6.45 इंच जबकि C21Y में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A53 2020 में 2.96 इंच जबकि C21Y में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A53 2020 में 0.33 इंच जबकि C21Y में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 53-2020 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A53 2020 में 186 ग्राम जबकि C21Y में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 53-2020 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A53 2020 में 82.87% जबकि C21Y में 81.59% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 53-2020 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रॉन कैमरा देखने को मिलता है। और C21Y की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A53 2020 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C21Y की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A53 2020 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और C21Y में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A53 2020 में Adreno 610 जबकि C21Y में Mali-G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A53 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 और C21Y में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की रेम मिलती है, जबकि C21Y में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB रेम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि C21Y में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A53 2020 में Android V10 Q जबकि C21Y में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A53 2020 में 3 कलर्स जबकि C21Y में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,180 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C21Y की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A53 2020 में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme C21Y की तो उसमें 2 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में C21Y आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है, दूसरा Xiaomi Poco C3 है, तीसरा Moto G9 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y12s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।